राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। जो मतलब किसी कारणवश आत्महत्या कर लेते हैं युवक युवतियाँ, जैसे कोई मतलब डिप्रेशन में आके, या फिर जो भी प्रेमी वगैरह होते हैं, तो क्या वही भूत बनते हैं? आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, पर जो कर लेते हैं वो भटकते हैं जी। कहते हैं ना कि उनको मतलब मुक्ति नहीं मिलती, उनकी मुक्ति नहीं होती जब तक उनके निमित्त कोई पुण्य का कार्य ना किया जाए, उनके माँ बाप के द्वारा, उनके अपनों के द्वारा, तब तक उनकी सदगति नहीं होती। और महाराज जी, ये फिर ये भूत मतलब किस को पकड़ते हैं? ये भूत किसी अपने को पकड़ लेते हैं कि भाई आप हमारा उद्धार करो जी। जो जिसको वो कभी जानता पहचानता हो गया, जान पहचान के रिश्तेदारों को पकड़ लेता है जी। या किसी को भी अनजाने आदमी को भी पकड़ लेता है, ये कहता है कि हमारा उद्धार करो, हमारा कल्याण करो। होटल की तरफ जाते हैं एक, मतलब हमने उसको 15 साल हो गए देखते देखते, तो उसको भूत हवेली बोलते हैं, उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। क्यों? अभी भी कोई जाता है तो कहते हैं इसमें आत्महत्या करी थी किसी ने, तो उसकी आत्माएं अभी भी उसमें घूमती हैं। अच्छा, मतलब बाकायदे एज इट इज बना हुआ है, मगर प्रवेश नहीं कर पाते हैं उसमें। तो कोई जाए तो? जाए तो कहते हैं कि परेशान करती हैं कोई आत्माएं उसके अंदर, आवाजें आती हैं अनेक तरह की। चलिए, होता होगा। राधे राधे। तो भागवत जी इत्यादि श्रवण करते रहो, कीर्तन करते रहो, कोई बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं करेंगी। ये मैया को दीजिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर से मैं पी करके, दारू पी कर बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं मुझे, और 23 साल हो गई शादी को, वो हर रोज का नियम बन गया है, क्या करूँ? लाए हो पति को? नहीं आए, मैं अकेले सुबह गुस्सा होकर के घर से आ गई हूँ आज। अच्छा, कहाँ से? आगरा से। आगरा? हाँ, मेरा मन कर रहा है आपको कि मैं कहीं मर जाऊँ, लेकिन नहीं नहीं, मैं यहाँ आ गई। मरने से समस्या का समाधान नहीं होता, मरना अच्छा नहीं होता। रोज का हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? 3 हैं। बेटा बेटा? नहीं, 2 बेटा 1 बेटी। तो कहाँ हैं उन लोग? घर पे, सबके फोन आ रहे हैं, मैं किसी के फोन उठा नहीं रही हूँ, मैं गुस्से में आ गई। वो बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं मेरे घर वालों को, मुझे, बच्चों को, लड़कों को, सबको पी करके इतनी गाली देते हैं, रोज का नियम हो गया है। क्या करते हैं आपके पति? मेडिकल स्टोर है सर। खुद का? हाँ। इतनी ड्रिंक करते हैं कि मैं बता नहीं सकती कितनी। अपना खाना खा लेते हैं, हम लोगों को खाना भी नहीं खाने देते हैं इतना। एक काम कर सकते हैं जी, आप उनको यहाँ ला सकते हैं? वो आएंगे नहीं, मानते ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं भी ये सब देखती हूँ मोबाइल पे, तो मुझे भी ढोंगी हो गई है, पलान हो गई है, उल्टे उल्टे शब्द मुझे बोलते हैं, मोबाइल को बंद कर देते, रिचार्ज नहीं कराते, तो मैं बहुत परेशान। अब देखो, उनको लाएंगे तो फिर ठीक करने की गारंटी हमारी है, पर लाएं तो बच्चों से बोलो कि वो ले आए। आप यहीं रहो, उनसे बोल दो कि भाई पापा को लेके, पिताजी को लेके आओ। मैं रात को यहाँ रुकना चाहती हूँ कैसे? हाँ, वो तो रुक जाएंगे, पर उनको फ़ोन लगा के बोलो कि वो लेके आए, फिर कल मेरे से बात करा देना। ठीक है। ठीक है, खुश रहिए। वो माइक दीजिए उनको। हाँ, आ रहा बेटा, आ रहा।